और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के अलवर की महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पति के साथ शादी की शॉपिंग करने का दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयावह दिन बन जाएगा। 26 अप्रैल को अलवर के थाना गाजी के नजदीक कपल को रोककर पांच युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पांचों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उस दिन जो हुआ वो इंसानियत पर एक बदनुमा दाग बनकर रह गया है। रूह को कपा देने वाली ऐसी खबर जिसे जिसने भी सुना कांप उठा। दरिंदगी के वो तीन घंटे जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा होगा, कितना दर्दनाक रहा होगा वो मंजर, अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का बारी बारी से छह बार रेप होते देखना। तीन घंटे की वो दरिंदगी जिससे उबरने में और उसे बयां करने में पति पत्नी को तीन दिन लग गए। दरिंदों का जब इतने से मन नहीं भरा तो वारदात के 11 वीडियोस बनाए और दंपत्ति को ब्लैकमेल करने लगे। मन मुताबिक पैसे न मिलने पर एक वीडियो वायरल भी कर दिया। वारदात 26 अप्रैल की है। 26 अप्रैल को मोटरसाइकिल पर अपने पति के साथ जा रही महिला के साथ पति के सामने ही पांचों आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस संबंध में 2 मई को FIR दर्ज की गई थी। अब इस मामले में राजस्थान के अलवर जिले की पुलिस ने काफी बवाल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता ने पुलिस को जो आप बीती सुनाई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। पीड़िता ने बताया कि कैसे तीन घंटों तक उसके साथ दरिंदगी होती रही, उसे और उसके पति को पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, आरोपियों ने उनके पास से पैसे छीन लिए और घटना का वीडियो भी बनाया जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करने के लिए उन्होंने उनसे फिरौती भी मांगी। उन्होंने पैसे भी दिए। इसके बावजूद आरोपियों ने घटना का एक वीडियो और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये घटना अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गई। सवाल ये कि क्यों उन्हें आरोपियों को पकड़ने में इतने दिन लग गए। सवाल पुलिस से कि क्यों उन्हें आरोपियों को पकड़ने में इतने दिन लग गए। क्यों जब तक कैंडल मार्च नहीं निकाले जाते, तख्ती लेकर नारेबाजी नहीं की जाती, तब तक पुलिस प्रशासन एक्शन में नहीं आता। सवाल सरकार से भी कि जनता ने पुरानी सरकार को विदा कर आपको सत्ता सौंपी, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं जो पुरानी सरकारें करती आई हैं। इस तरह के अति संवेदनशील मामलों में लापरवाही करना। कुछ सवाल उस भीड़ से भी जो इंसाफ की गुहार लगाने वाली भीड़ वीडियो को वायरल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। क्यों जब किसी बेटी की इज्जत जब उतरती है तो उसे ढकने की बजाय बार बार उतारा जाता है। जिस दिन इन सवालों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, शायद उसी दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा के लिए पढ़े जाने वाले कसीदे सही साबित हो पाएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन अलवर की इस घटना ने केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव में अब 2 ही चरणों के मतदान बाकी हैं। इन 2 चरणों में सभी पार्टियां अपने अपने दिग्गजों के लिए प्रचार में जुटी हुई हैं और इस प्रचार में अब तेजी भी आ गई है। तेजी भाषणों में भी सुनने को मिल रही है। भाषणों में तीखापन बढ़ता जा रहा है। पहले बात ममता बनर्जी की करें। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का थप्पड़ मारने की बात कही तो पीएम मोदी ने आज ममता बनर्जी पर पलटवार कर दिया। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है और सभी पार्टियों और उनके दिग्गजों ने अपने प्रचार में तेजी ला दी है और इस तेजी के साथ ही भाषणों में तीखापन भी बढ़ता जा रहा है।
पहले ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लोकतंत्र का थप्पड़ मारने की बात कही, तो आज पीएम ने ममता दीदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी को माँ माटी और मानुष नहीं बल्कि कुर्सी भतीजे और टोलेबाजों की परवाह है। उन्होंने कहा कि दीदी कितना परेशान है उसका अंदाजा भाषण से लग सकता है। अब वो मेरे लिए पत्थर और थप्पड़ की बात करती हैं, लेकिन मुझे तो गालियों की आदत है। दीदी कितनी परेशान है उसका अंदाजा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है। अब वो मेरे लिए पत्थरों की बात करती है, थप्पड़ों की बात करती है। अरे दीदी, मुझे तो गालियों की आदत है। मैं तो डिक्शनरी, दुनिया की सभी डिक्शनरी की गालियों को हजम करने की ताकत। अब पीएम मोदी का बयान बंगाल सीएम ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आया जिसमें ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लोकतंत्र का थप्पड़ मारने की बात कही थी। एवं ताई नरेंद्र मोदी जो बांगला इसे बोले ममता बनर्जी दम तोलाबाज तक सुनने मन भारतवंत्र। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री के निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। पीएम ने ममता बनर्जी को फानी तूफान के मुद्दे पर भी निशाने पर लिया। बंगाल में जब फानी तूफान आया तो मैंने उन्हें दो बार फोन किया और उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान आया, साइक्लोन आया, तो मैंने उन्हें दो बार फोन किया, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं माना। यहां तक कि भारत सरकार यहां के अफसरों के साथ बैठ करके इस साइक्लोन के समय मदद करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उस मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ किया गया ये विश्वासघात, ये अहंकार ही दीदी को ले डूबेगा। साथियों, इस माहौल में जिस शक्ति के साथ, जिस साहस के साथ आप दीदी और टीएमसी के गुंडों के सामने खड़े हो रहे हैं, उसकी पूरे देश में चर्चा है। दीदी के अत्याचार ही उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प और मजबूत कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने जय श्री राम के नारे पर होने वाले विवाद पर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दीदी को उन राम भक्तों, सरस्वती भक्तों और दुर्गा भक्तों की चिंता करनी चाहिए जिनको वो पूजा नहीं करने दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दीदी के दिल में घुसपैठियों और विदेशी कलाकारों के लिए ममता है, लेकिन हमारे आदिवासियों के लिए नहीं है। बता दें कि बंगाल में अभी तक हुए हर चरण के चुनाव में हिंसा देखने को मिली है। पांचवें चरण में भी बंगाल की कई सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिलाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। वहीं पीएम मोदी आज आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी, भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ और लालगंज में बीजेपी प्रत्याशी नीलम सोनकर के समर्थन में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग देश का विकास नहीं चाहते वो मोदी का विरोध कर रहे हैं, जो लोग देश की सुरक्षा नहीं चाहते वो मोदी का विरोध कर रहे हैं। और इसी भूमि पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए आए थे। पहली बार आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन बन रही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
के शिलान्यास के बाद पूरे देश के अंदर विकास के मामले में 5 वर्ष के दौरान जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाने का हो, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए हर एक नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रदान करना हो, हर गरीब को मकान, हर गरीब को शौचालय, किसान को लागत से अधिक दाम देने का मामला हो, या फिर इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने का हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 5 वर्ष के दौरान जो कार्य हुआ है, जो लोग भारत का विकास नहीं चाहते वे लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, जो लोग भारत को सुरक्षित नहीं चाहते वे लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, देश के सजग नागरिक होने के नाते कमल चुनाव चिन्ह पर बटाया गया दबन बटन मोदी जी के प्रति हम सबका समर्थन होगा। अब बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं वाराणसी की। वाराणसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को भी जहर दे दिया और उनकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र के गीता मंदिर के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पिता ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खाकर जान दे दी। जहर खाने की जानकारी पर परिजनों ने सभी को पहले कबीर चौरा और फिर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां सभी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में मृतक दीपक कुमार गुप्ता की भतीजी साक्षी ने बताया कि बीती रात चाचा जी की 3 बेटियां नव्या, अदिति और रीमा बाहर आंगन में सोए हुए थे। चाचा जी आए और उन्हें कमरे में उठाकर ले गए। कुछ देर बाद छोटी वाली बेटी रीमा आई और दादी से बोली कि पापा ने हमें कुछ पिला दिया है। इस पर दादी कमरे में गई और तीनों बच्चियों को और चाचा जी को उठाकर अपने साथ लेकर बाहर आई। थोड़ी देर बाद बच्चियों को उल्टी शुरू हो गई। तुरंत तीनों बच्चियों को परिजन कबीर चौरा अस्पताल लेकर भागे। वहां पर चारों की तबीयत बिगड़ते हुए देखकर सभी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां सबकी मौत हो गई। ये जो कि रात को बाहर बच्चे सोए हुए थे और ये बच्चों को उठा के लेके गए अंदर, फिर जाके दादी वाले रूम में टीवी देख रहे थे। टीवी देखने के बाद जो कि ये पता नहीं रात को क्या किए, फिर एक छोटी वाली उनकी लड़की आके कह रही है दादी से कि हमें पापा हमको कुछ दवाई खिलाए, तो वही दादी जाके उठाए उन लोग को, उठिए उठो। उसके बाद सब बच्चे उल्टी करने लगे अचानक से। उसके बाद वो लैट्रिन से आए बाहर, यहाँ पे पूरा सो गए बच्चे। सबसे बड़ी वाली का बहुत सीरियस हालत था, वो गई कभी चौदह नहीं गई। फिर वहाँ से डायरेक्ट उनके मामा आए, लेके गए तीनों को बीएचयू में हो गया। फिर यहाँ पे इनके ये थे के कभी चौरा में गए। कभी चौरा के जाने के बाद 2 बोतल पानी चढ़ा और उनका हालत बिगड़ती जा रहा था। उसके बाद सब लोग बीएचयू ले गए। घटना की रात मृतक की पत्नी मायके गई हुई थी। मृतक के परिजन सुमन देवी ने बताया कि सुबह 3 बजे बच्चे उठे और उल्टियां करने लगे। बच्चों का कहना था कि पापा ने रात को दवाई पिलाई थी, उसके बाद से तबीयत बिगड़ी। अब घटना बताइए, हम क्या बताएं? 3 बजे बताइए, 3 बजे भोर में क्या हुआ दीपक? अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके छोटी लड़की ना, हम लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे, छोटी लड़की उसकी उठी, दादी उसका थोड़ा बहुत होश था और 2 लड़कियां तो एकदम उल्टी कर रही थी, छोटकी एकदम मतलब होश था। दादी कहीं का बच्चा कहीं पापा के हम लोग को दवाई पिया देने, हम लोग उल्टी कर रहे थे और देखा रिया मान्य सब उल्टी करत हुए, तो दादी उठा तो उनके मम्मी उठी तो हम लोग दरवाजा पीटी, उठो सब लोग कहते देखा पता ही कौन दवाई वही खा के सो गए और लड़की मार उल्टी करती, एटी नरिया पर लटकल है, एटी वहाँ पे लटकल है, ऐसे उठैली नबिया तुरंत हाथ पर रख दिया लड़के, हाँ तुरंत सब लोग के भागा वहाँ पे, तो हम लोग भी उठे तो देखे हम लोग। घटना के संबंध में वाराणसी के एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि सूचना पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अभी हम आए क्षेत्र में, मालूम चला कि ऐसी ऐसी वारदातें हो गई हैं, तो हम भी आके अभी जानकारी ले रहे हैं। मालूम चला कि दीपक नामक व्यक्ति एक इसी घर में किराए पे रहते थे, अपना मकान है। अब क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, ये लोग ने बताया कि 3 बजे के लगभग वो जहर ऐसा कुछ दवा हवा कुछ खा के, तो अब जानकारी तो उसकी ज्यादा हमें है नहीं,
अब पारिवारिक मैटर भी क्या नहीं है ये भी हमें नहीं पता। अभी आरंभिक तौर पर जानकारी मिली है गलक्सा थाना के गीता मंदिर के पास में एक परिवार था दीपक गुप्ता जी का, जिनकी 3 छोटी पुत्रियां थी और उनकी पत्नी कल मायके गई थी। सुबह उन्होंने बल्कि परिवार में पत्नी को वहाँ पर छोड़ा था और उन तीनों पुत्रियों सहित उन्होंने जहर खा लिया, जो आरंभिक तौर पर जानकारी मिली है। और उन लोगों को कभी चौरा अस्पताल भेजा गया, जहाँ से VHU रेफर किया गया, वहाँ पे चारों लोगों की डेथ हो गई है और जानकारी की जा रही है इसमें कि क्या मामला है, क्योंकि परिवार बहुत दीपक गुप्ता जी ठेले पर कपड़े वपड़े बेचते थे, रुमाल चड्डी बनियान इस तरह घूम के कारोबार करते थे, और क्या वजह थी इसकी जानकारी की जा रही है। परिवार की ठेले पर होजरी की दुकान थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आत्महत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, वजह चाहे जो हो, लेकिन देखते देखते एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। वाराणसी से टोटल न्यूज से राम सुंदर मिश्रा की रिपोर्ट।